हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस एकेडमी। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट टोपोलॉजी, यूनिट 3, जिसकी एक डेफिनेशन बेस की पिछले वीडियो में हमने की थी। बेस पर डिपेंडेंट थ्योरम नंबर फर्स्ट, प्रीपोजिशन 3.2। इसका जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो एग्ज़ाम में लिखा हुआ आएगा, ओनली प्रूफ करना है। लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। यदि एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ टी, देन बी इज़ अ बेस फॉर टी इफ़। यहाँ पे इफ़ डबल एफ का यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यानी इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि। आई डबल एफ इसलिए यूज़ करते हैं जब हम उस चीज़ पर जोर देते हैं। फॉर टी इफ़ फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स, देयर एग्जिस्ट बी। ये है कैपिटल बी और ये कर्सिव राइटिंग वाला बी है, आप चाहे यहाँ स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। बी खैर ये स्टेटमेंट में ही है इसलिए इसका कुछ नहीं किया जा सकता। बी इज बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ जी। ये सब है। इसको दो तरीके से प्रूव करना है। पहले हमें बेस लेकर चलना है और उसमें ये चीज़ें कंटेन करने का बताना है, ओपन सेट लेकर चलना है और बी को बेस प्रूव करना है। तो हम प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ फर्स्ट, सपोज बी इज़ द बेस फॉर, बी इज़ द बेस, सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि बी एक बेस है फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स के लिए जहाँ पे एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स को बिलोंग कर रहा है। ये लेट नहीं, कैंसिल है, ये कट करने से। एंड एन ओपन सेट जी, जी एक ओपन सेट है कंटेनिंग एक्स बी गिवन, जिसमें एक इस तरीके का ओपन सेट है जी जिसमें एक्स कंटेन कर रहा है। देन जी कैन बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बी, से जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई बी आई। हमने बेस के डेफिनेशन में पढ़ा था कि बेस टी का मतलब टी एक अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है तो बी जो है वो बेस तब कहलाएगा जब टी का हर एक एलिमेंट बी के कुछ एलिमेंट के यूनियन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसके डेफिनेशन के हिसाब से हम कह रहे हैं कि जी इक्वल टू यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई बी आई, वेयर आई इज एन इंडेक्स्ड सेट एंड बी आई बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। आई जो स्मॉल आई है वो इंटीजर आई यानी इंटीजर को बिलोंग करेगा। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट जे बिलोंग्स टू आई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी जे। ठीक है, एक्स जो है वो बी जे को बिलोंग कर रहा है जहाँ पे जे भी इंटीजर को ही बिलोंग करेगा। सो बी जे इज अ सबसेट ऑफ जी, बी जे जो है वो जी में कंटेन करेगा, उसके एलिमेंट्स जी में होंगे। अब यहाँ तक तो हमने ले लिया, ये चीज़ तो हमने बता दी कि बेस के डेफिनेशन से ये चीज़ होगी। कन्वर्सली अगर हम इसका कन्वर्स लेके चलें, सपोज द कंडीशन इज होल्ड, हम मान लेते हैं कि कंडीशन जो हमको दे रखी है वो है लेट एच बी एन ओपन सेट इन एक्स, और एच जो है वो एक ओपन सेट है एक्स का, दैट इज एक्स सॉरी एच बिलोंग्स टू टी, जो एच है वो टी में होगा क्योंकि एच एक ओपन सेट है वो टोपोलॉजी में होगा। तो हमने कहा कि यह टोपोलॉजी में वो है। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एच देयर एग्जिस्ट बी एक्स, हर एक्स के लिए जो कि एच में है वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा बी एक्स जो कि बी में होगा। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स एंड बी एक्स इज अ सबसेट ऑफ एच, इट मे हैपन दैट फॉर सम डिस्टिंक्ट एक्स वाई इन एच बी एक्स एंड बी वाई आर सम सेट्स। ऐसा हो सकता है कि किसी x और y के लिए जो h में है bx एक्स एंड बी वाई द सेम सेट, bx और by सेम हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्लियरली h इक्वल टू यूनियन x बिलोंग्स टू एच bx, एक्स दस एवरी मेम्बर ऑफ t कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेम्बर्स ऑफ b, सो b इज़ द बेस फॉर t। ये हमें प्रूफ करना था। हमने जो कंडीशन है वो लेकर चले, हमने यहाँ पे बेस बता दिया, और पहले जो हमने इसके पहले जो शुरुआत की थी वहाँ हमने बेस मान के चले थे और हमने बाकी की कंडीशन बता दी थी। तो दोनों तरीके से इस थ्योरम को हमने प्रूफ कर दिया। थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए कुछ वर्ड्स अलग आएँ, किसी यूनिवर्सिटी के हिसाब से कुछ वर्ड्स अलग आएँ, लेकिन इनका बेस सेम ही होता है। तो बेस पर डिपेंडेंट ये थ्योरम थी। इसके बाद हम सब बेस की डेफिनेशन करेंगे, उस पर डिपेंडेंट थ्योरम देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहें, इसे नोट कर लें।
एंड चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।